लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे एक नए अंदाज में, फिल्म की बात करेंगे। फिल्म बैड न्यूज की तरह क्या वाकई जुड़वा बच्चों के हो सकते हैं दो अलग अलग पिता? तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले सुनील शेट्टी की एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मेरे दो दो बाप हैं। खैर, इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने जुड़वा का किरदार निभाया था। ऐसा इसलिए हुआ था लेकिन फिल्म बैड न्यूज में वाकई ऐसा हो गया है। विक्की कौशल, तृप्ति ढिमरी और एमी बिर्क स्टारर फिल्म बैड न्यूज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में है और वीडियो बनाने का मकसद इस स्टोरी का कंटेंट है। मतलब इस स्टोरी में जो दिखाया गया मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है, इसको लेकर के लड़की में कन्फ्यूजन है। लड़की को दो लड़कों पर शक है जिसके लिए वह पैटर्निटी टेस्ट करवाती है। इस टेस्ट के बाद ही फिल्म की असली मजा शुरू हो जाता है, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट वाला मैच टाई हो जाता है और दोनों ही लड़के होने वाले बच्चे के बाप निकलते हैं। बैड बॉय फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई असल जिंदगी में एक बच्चे के दो पिता हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। क्या बच्चे के दो पिता हो सकते हैं? एक बच्चे के दो पिता होना संभव है। मेडिकल की भाषा में इसे हेटरोपैटरनल सुपर फिंक्डेशनल कहा जाता है। ये मेडिकल कंडीशन में एक मां और दो बाप वाला केस हो सकता है। हेटरोपैटरनल सुपर फिंक्डेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। हेटरोपैटरनल सुपर फिंक्डेशन एक रियर कंडीशन है। पूरी दुनिया में इस तरह के बहुत ही कम मामले देखने को मिलते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में हेटरोपैटरनल सुपर फिंक्डेशन के साल भर में सिर्फ 20 मामले ही सामने आते हैं। हेटरोपैटरनल का मतलब है कि अलग अलग पिता, और सुपर फिंक्डेशन का मतलब है कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो अलग अलग इंटरकोर्स से शुक्राणुओं यानी स्पर्म का एक के साथ फर्टिलाइजेशन होना। जब अंडाशय यानी ओवरी से एक एक निकलकर एक स्पर्म से मिलता है तो इससे गर्भावस्था होती है और सिंगल प्रेगनेंसी होती है। वहीं कुछ मामलों में एक स्पर्म फर्टिलाइज होकर के दो अंडों के साथ मिल जाता है, इसकी वजह से गर्भ में जुड़वा बच्चे विकसित होते हैं। लेकिन इन सबके विपरीत अब कोई महिला अलग अलग पार्टनर के साथ कुछ वक्त के अंतराल में शारीरिक संबंध बनाती है तो इससे एक रिलीज होकर के दो स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, जिसकी वजह से महिला जुड़वा बच्चों का गर्भ धारण करती है, लेकिन दोनों ही बच्चों के बाप अलग अलग होते हैं। मेडिकल की भाषा में ऐसे बच्चों को हाफ सिबलिंग कहा जाता है। हेटरोपैटरनल सुपर फिंक्डेशन में एक ही मां के गर्भ से पैदा होने वाले दोनों ही बच्चों के डीएनए अलग 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 भी होते हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, आपको भी जान के एक नई जानकारी मिली होगी वीडियो देखने के बाद। एक आप खुद आश्चर्यजनक रूप में हो जाएंगे कि जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मुझे खुद भी आश्चर्यजनक लगा। लेकिन हम इस प्रोफेशन में हैं तो जो चीज़ सामने होती है तो हमें बताना, आपके साथ शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।